This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नई दिल्ली से भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के यहां NIA की रेड पड़ी है। मेरी जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची में मुड़मू थाना क्षेत्र के मतवे गांव में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम रेड करने पहुंची है। अयोध्या के राम मंदिर के सुरक्षा में तैनात जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। सुबह 5:30 बजे की घटना है और जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा मंदिर में शिष्य पहुंचे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी मंदिर परिसर में पहुंचा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए यह बहुत खास दिन है। आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ दी और आज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। त्रिशक्ति कोर के जवान, नागरिक, प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर सहायता कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों ने पार्टी के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जमकर बारिश हुई। देश में कई शहरों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंच चुके हैं। पुतिन 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। मुंबई के BMC मुख्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। मेल में मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर राहुल गांधी ने सभी को संदेश दिया है कि वो कांग्रेस मुख्यालय या पार्टी दफ्तर पर कोई सेलिब्रेशन ना करे, बल्कि गरीब बस्तियों में जाकर उनकी मदद करे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की आधिकारिक जांच पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य आयुक्त जनक कुमार गर्ग की ओर से शुरू की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हार गई थी। अब इस बात की समीक्षा हो रही है। यूपी BJP चीफ भूपेंद्र चौधरी इसकी अगुवाई करेंगे। मुंबई में एक आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने फैक्ट्री में घायल एक शख्स का DNA जांच के लिए भेजा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों से शरद पवार गुट के हौसले बुलंद हैं। शरद पवार ने दावा किया कि राज्य के मतदाताओं ने माहौल बदलने का संदेश दिया है। मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक वीडियो में एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। शख्स ने खुद का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक युवक और युवती का पहले से अफेयर था, लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और युवती ने ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद युवक ने उसकी हत्या कर दी। शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर ओपनिंग हुई है और आज 19 जून 2024 को निफ्टी पहली बार 23,600 के पार निकल गया है। BSE सेंसेक्स ने 77,500 के ऊपर जाकर ओपनिंग दिखाई है और नया ऐतिहासिक शिखर भी छू लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।